कहाँ तक पढ़े हैं? मैट्रिक की नॉन मैट्रिक? मैट्रिक पास कर गए हैं? पढ़कर पास किए थे? अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं? कम जानते हैं। कम जानते हैं, पढ़कर बताइए। दे ट्राई टू मिस इंटरप्रेट द ऑर्डर टू हेल्प पर्संस विद मसल पावर, पर्संस विद पॉलिटिकल बैकिंग। सनहा दर्ज किए, केस दर्ज करना मना है। क्रिमिनल है तो उसको अरेस्ट करके अंदर कीजिए। अलर्ट, आई एम अपीयरिंग इन दिस केस ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 629 प्राइवेट रेस्पोंडेंट अलर्ट। क्या करते हैं आप? हम करते हैं जो किसान है हम, ये हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इनका क्लेम है। जो प्लेयर देखिएगा, ये आए हैं फॉर क्वेशिंग द ऑर्डर ऑफ डीसीएलआर। ऑर्डर ऑफ डीसीएलआर लास्ट पेज देखा जाए हुजूर उसका। पेज नंबर 96 माय लॉर्ड। 96 इनका प्रेयर एंड लास्ट फाइंडिंग ऑफ डीसीएलआर देख ले जाए। जटिल स्वत संबंधी विवाद उभर कर सामने आता है। रैयत वर्सेस के आधार पर दावा किया जा रहा विपक्षी मेरे द्वारा। अभी अब आप चुप रहिएगा, जरा हम अपना पिछला ऑर्डर देखेंगे। और ये क्या है, सब इंस्पेक्टर हैं क्या है? एएसआई हैं सब? क्या नाम है आपका? अवलेश कुमार यादव। कहाँ तक पढ़े हैं? मैट्रिक की नॉन मैट्रिक? मैट्रिक पास कर गए हैं? पढ़कर पास किए थे? अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं? कम जानते हैं, पढ़कर बताइए। पढ़ाइए, पढ़िए। मिस्टर खान, हाउ विल ही बी एबल टू ऑनर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इफ ही कैनॉट कॉम्प्रिहेंड इट, ही कैनॉट रीड इट? ही शुड बी गिवन अ ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द ऑर्डर बाय द पिटिशनर और बाय द स्टेट? नहीं, ही कैन ऑलवेज, आई मीन इफ देयर इज एनी। आपको जब ये ऑर्डर देने गए तो आपने कहा कि जब हाईकोर्ट से ऑर्डर डायरेक्ट हमको आएगा तब हम इस पर संज्ञान लेंगे इसका? जी। क्या कहा आपने? ये झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा, कब मिलने गए थे आपसे ये ऑर्डर लेकर इनके क्लाइंट? क्या कब गए थे आप? का क्लाइंट कब गया था? 3 तारीख को। 3 तारीख को इन्होंने क्या कहा? कहा कि चूंकि हाईकोर्ट से डायरेक्ट आएगा, वकील का दिया हुआ, हम नहीं मानते, हाईकोर्ट से आएगा तब हम मानेंगे। उसके बाद जो है हम तो स्पीड पोस्ट से भी भेजे। 14 तारीख को जब नोटिस देने हमको गए तो हमने उस समय भी कहा, नोटिस हमको दिया है लिखित में हुजूर के सामने है कि दोनों पक्ष को रोका जा रहा है। तो हमने कहा कि नोटिस में, ऑर्डर में ऐसा नहीं है, ऑर्डर देख लीजिए। तो कहे कि वैसे कुछ नहीं होता है, हमको जो है हम बता दिया आपको। फिर कल गए हैं, कल हुजूर के यहाँ यहाँ कर रहे थे तो कल मॉडिफाइड एक नोटिफिकेशन लेकर नोटिस करके फिर गए हैं और मेरे भाई से, पिटिशनर के भाई से सिग्नेचर करा लिए हैं बिना डेट का, डेट नहीं देने दिए। कहे कि इसको ले लीजिए 18 के डेट में, कि मतलब हम जो है उसको गलती से कर दिए थे, वो केवल एक पक्ष को रोका। मिस्टर खान, दुल्हन बाजार में यही हो रहा। हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है टू रेस्ट्रेन मिस्टर एक्स, द पुलिस ऑफिसर रेस्ट्रेन द पिटिशनर एज वेल एज मिस्टर एक्स। वो तो फॉर दैट माय लॉर्ड आई एम एब्सोल्युटली स्पीचलेस, बट देन द मैटर हैज बीन। आप इनको 3:45 लाइए, 3:45 इनके एसएसपी आएंगे, उस समय भी सुनेंगे। एंड आई विल हैव टू डिसाइड वेदर द हाई कोर्ट ऑर्डर विच हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द पुलिस ऑफिशियल्स हैज टू बी ट्रांसलेटेड इन द ऑफिस ऑफ द हाई कोर्ट देन कम्युनिकेटेड और द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट ए ट्रांसलेटेड कॉपी। दिस इज हैपनिंग एवरी डे एंड इट हैज हैपेंड इन दुल्हन बाजार। My lords, can I? I will initiate a contempt proceeding against this fellow. He will go to jail. My lord, can I? Yes. Yes. Well, there have been various orders passed by my lords, and by and large, orders have been complied. I mean, this is an exceptional situation where I cannot defend him, but then where this unfortunate thing has happened. Mr. Khan,
यू हैव बीन अपियरिंग, यू डोंट हैव एंड सपोर्टिंग द पुलिस. आई हैव ऑल्सो बीन सपोर्टिंग द पुलिस सो फार एज लॉ एंड ऑर्डर इज कंसर्न, बट वेन द पुलिस टेक्स द मैटर्स इन टू इट्स ओन हैंड एंड वेन स्पेशली द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट आर नॉट अंडरस्टूड और दे विलिंगली वायलेट, इफ an order is there that you, this fellow is restrained, they go and restrain the petitioner also, and this is not happening with this ASI, it is happening right from this SSP onwards. They try to misinterpret the order to help persons with muscle power, persons with political backing, persons who are connected with a political party or with few political parties who are in power. This is happening, and in Patna district this is happening, especially Dulhin Bazar police station it is happening. I will direct the SP to change every police officer from transfer police officers of Dulhin Bazar police station, or I will initiate contempt against them. Tell him to come at 3:45. He will be here. Yes, he will be here. I will take this up. This case had to fail. Just one or two submissions for my lord's kind. 245. I have got this. We have insured. There was initially a wrong was. I am not interested in the fact that you have insured. I am interested in the fact that why did he act in such a callous manner, and why he did not honor the order of the High Court. When there was an order, he could have filed a modification saying that this cannot be executed. If he doesn't understand English, he should have contacted you, come to your office and then... Allow me to make one fact absolutely clear. If there's an order of the High Court, it has to be complied. There's absolutely no issue, no doubts about it. File DJ. There's no issues. The moment the matter was mentioned and when I talked to them, my lords, I explained to them, this is what you have done, you should not have done. They called the other side, they insured. The other side responded number 5. I mean, I should say he's 6. He's been reversed. 6 to 9. But as far as my instruction goes from the police officers of the Dulhin Bazar PS, is a criminal. There's no doubts about it. How many cases? Kitne cases are us par? Are kitna तो क्रिमिनल कैसे हो गया? नहीं नहीं है उस पे, हाँ, उस पे केस है। आप पर कितना केस है? 6 to 9 में हुजूर जी। इन पर? नहीं नहीं मेरे ऊपर एक 6 हाँ। जो रेस्पोंडेंट है प्राइवेट रेस्पोंडेंट उनके ऊपर इमीडिएट एक केस हुआ है इसके पहले। किस सेक्शन का? 302 का है हुजूर। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार, नीतीश शर्मा जो है इनको मैंने सेलेक्ट भी नहीं है, इनको फंसाया गया था, इनको बेल हो गया था बहुत जल्दी, नहीं, नहीं, हम बाकी लोगों के खिलाफ कुछ केस बता दे रहे हैं। उसके बाद वी कॉल्ड हिज वाइफ, सिंस ही वाज नॉट कमिंग वी कॉल्ड हिज वाइफ एंड द वाइफ हैज पुट इन हर सिग्नेचर, वी हैव absolutely in simple and strictest term communicated to her that you, I mean, there was a mistake on our part that we issued such kind of orders, we have rectified it, now you are not going to go anywhere near that piece of land. And my lords, as far as, because earlier also we had SD entry was done by us, because this gentleman Mr. Nithi, because there was a dispute, so when the police went to that place of dispute, the occurrence, the field, this Nitesh Kumar, the respondent, he created a hell lot of scene out there, abused the Mr. So, I mean, ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं? अगर पुलिस के सामने सीन क्रिएट करता है तो 353 किसके लिए है? आईपीसी। अब आप चुप रहिएगा पांडे जी, अभी हम सरकारी वकील से बात कर रहे हैं। ये 353 कब के लिए रखते हैं? जुलूस का जो वायलेशन करता है उसी के लिए 353 का यूज कब करेंगे आईपीसी का? जब आप पर कोई, आप किसी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में गए और नीतीश शर्मा ने आप के साथ बदतमीजी किया या कुछ किया, तो आप लोगों ने उस पर कौन सा मुकदमा दर्ज किया? किया कोई काम? सनहा दर्ज किए। केस दर्ज करना मना है, सनहा से क्या होता है? क्रिमिनल है तो उसको अरेस्ट करके अंदर कीजिए। 302 में बेल हो गया तो वो क्राइम करते रहेगा। आगे से कभी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं समझ में आए
तो अपने वरीय पदाधिकारी से बात कीजिए, या अपने वकील साहब से फोन पर बात कीजिए, या आप दुल्हिन बाजार में हैं तो नजदीक है। क्या करना है इसमें? तो बिकॉज द ऑर्डर जो था उसका हम लोगों ने कंप्लायंस कर दिया, टिल द मैटर इज डिसाइडेड बाय माय लॉर्ड एंड फाइनल ऑर्डर इज पास। क्या डिस्प्यूट है? बैठिए। हमारे रैयती लैंड हमारे इंसेस्टर के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, जिनके द्वारा उनको बाद में अभी 2021 में कहते हैं कि वो मेरे ही परिवार से रिलेटेड थे, गलत वंशावली बना करके, जबकि उनका कोई नहीं था। यू आर दी परचेजर, यू आर दी परचेजर, परचेज मैन 1921 और आपका जन्म नीतीश शर्मा जी कब हुआ? इनका तो ये हुजूर है 45 साल उम्र है, कब जन्म हुआ? ये इनके एंसेस्टर का ही। अरे एंसेस्टर को छोड़िए, आपका जन्म कब हुआ हम पूछ रहे हैं। 42-43 साल का इनका हो रहा है जो, तो कब जन्म हुआ? ये जन्म तो वही 80-81 का होगा। 80-81 का होगा। एविडेंस एक्ट पढ़ाइए, सेल डीड जो है सेल डीड प्रिवेल करेगा, और अगर उनको दिक्कत है तो टाइटल सूट में जाएं। हाँ वही हम कह रहे हैं जो आया फाइल काउंटर पे डेबिट लिखते हैं। रुकिए, काउंटर, हाँ डिटेल काउंटर, आप लोग तमाशा करते हैं। जमीन महंगा हो गया तो क्रिमिनल सब आगे बढ़कर पुराना क्लेम कर रहे हैं कि सेल डीड गलत है। देखो जो इनका एक चीज हम दिखाना चाहें, अब हम कुछ नहीं देखेंगे। आप बैठिए पांडे जी, आप समझ गए कि आप क्या करने जा रहे हैं। दी ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस दुल्हिन बाजार, श्री क्या नाम बोले, अवलेश कुमार यादव इज प्रेजेंट। ही हैज टेंडर्ड अनक्वालिफाइड अपोलॉजी। ही सबमिट दैट व्हाट एवर मिस्टेक हैज बीन कमिटेड बाय हिम हैज बीन कमिटेड बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट व्हिच इज इन इंग्लिश एंड ही इज नॉट good in reading English. Any police officer who doesn't understand the orders of the High Court which is in English is required to approach his superior officers who know English to understand the effect of the order of the High Court. But just because they do not understand English will not absolve them from contempt. From we will not give them an excuse for not obeying the orders of the High Court. This has come to the knowledge of this has been regularly coming to the notice of this court that most of the police officials working in the police stations on the rank of ASI and AS, sub inspector of police, who have reached their position through promotion, are they do not possess the knowledge, do not have knowledge of English. And it is because of lack of knowledge of English that they do not abide by the orders, do not execute the orders of the High Court. The DGP Bihar is directed to see to it that will pass a general direction to the SPs of the states, the different superintendent of police of the state, that the officer in charge of the police station will himself go through any order of the High Court and see to it that they are not violated. Because the ultimate responsibility is of the officer in superintendent of police of the district, and it cannot be ignored. In the present case, next, the accepted the apology
tendered by the police officer. His personal appearance is dispensed with for the present. Next. It seems that the Mr. Pandey for can pura Arun Pandey. Mr. Arun Pandey appears for the respondents number 6 to 9, and he has wanted and he has filed his counter affidavit. Copy nahi. Mr. Pandey in the matter has tried to advance his arguments on the dispute and has submitted that there is some title dispute between the parties and therefore this writ application be dismissed in view of the order of the additional collector land reforms, deputy collector land reforms, who has also held that the matter is requires consideration by the civil court. Though this court is in agreement with the submissions of Mr. Pandey, but one respondent number 6 is a criminal accused in a case under section 302 IPC. Only one or two cases. Pandey ji, ab bahas nahi karna, hum likha rahe hain. चुप रहिएगा, जब बोले तब पूछिए, तब बोलिएगा, नहीं तो नहीं. ये चेन आप तोड़ देते हैं. क्या लिखे? Respondent number 6 is a criminal accused in a case under section 302 and he is trying to dispute a sale deed which was executed when he was a child. The respondents number 6 to 9 can dispute the title of the petitioner, but it can only be done in the civil court and they cannot take law into their own hands when the petitioner is admittedly in possession, is admittedly having a sale deed of 1921 and has taken possession of the land pursuant to that sale deed. This writ application is disposed of with an observation and direction that if the respondents number 6 to 9 want to dispute the title of the petitioner, they can move the civil court by filing a title suit, and they can also pray for any interim order. But they will not disturb the possession of the petitioner without the sanction of law. They will not disturb the disturb either the petitioner or his family members in the peaceful enjoyment of the property. If any title suit is filed by the respondents number 6 to 9, that shall be decided by the court below expeditiously if the plaintiffs cooperate. If by mere filing of the title suit the respondents number 6 to 9 will have no reason to go to the suit land, go to the disputed property with under the possession of the petitioner, the police will act upon the next. The police will act upon any complaint of violation of today's order by the petitioner with the aforesaid observations and directions. This application is disposed of. Ye jo hai criminal sahab, ये अगर बदमाशी करते हैं तो इनका बेल कैंसिलेशन फाइल कीजिए, और ये बदमाशी करते हैं तो इन पर नया मुकदमा दर्ज कीजिए. बेहिचक, तुरंत करिए. मेलोड में आई वांट टू एनेक्चर इसको नौ नौ 22 के ऑर्डर को पास कर. क्या है ऑर्डर? टीसीएलआर साहब का जो हमको कह दिया, उन्होंने कह दिया हमको, अब हमने कह दिया ना, अब ये टाइटल में जाएंगे. वॉश करने का क्या जरूरत है? मिलोड में आई सबमिट वन थिंग. क्या पांडे जी? लैंड इन क्वेश्चन नाउ ही हैज सबमिटेड कि ही इज ऑन पीसफुल पोजीशन, दैट इज रॉन्ग सबमिशन. मिलोड
So, now I will tell you, you file a title suit, you file a title suit for declaration of title and confirmation of possession. Don't ask for recovery of possession. My lord, title is with me and I am in peaceful possession. So, I am farming the crops. Till you file. He has filed this. Till you file, because he has filed this petition only to gain sympathy of this honorable court, my lord. He is nowhere attached with this land, my lord. He is suppressing the fact. I am against you because you are a criminal. Lord, you are an accused. Four, my lord, out of four respondents, one is 75 years old, second is 60 years old, third is 50 years old. कोई रोल नहीं है, सब यही नीतीश शर्मा है. No, my lord, this is my ancestor. अरे भाई, my ancestral, आपके ancestor ने बेच दिया और आप पैदा हो गए. गजाधर सिंह जो कहते हैं कि गजाधर सिंह कौन थे, आप यही पता करते रहे. वो अनमैरिड वो इन अपील. ये सब पटना डिस्ट्रिक्ट में यही हो रहा है. जमीन मांगा हो गया, तो जो पैदा हुआ जमीन बिकने के बाद वो अपना क्राइम कर रहा है. जो 1921 में खरीदते हैं कहते हैं, और 1996-97 का इनके पास रेंट रिसिप्ट है. इतने बीच में इनका रेंट रिसिप्ट कहाँ गया? मेरे पास कंटिन्यूअस रेंट रिसिप्ट. आप क्रिमिनल केस फाइल कर दीजिए. नहीं, टाइटल में आपके पास आए हैं 1921 में, सरसन इनकरिट में कि हम परचेज किए हैं. अरे टाइटल आप फाइल कीजिए या ये फाइल करें, उससे फर्क क्या पड़ता है? यही ना कर रहे हैं हम, तो पीसफुल पोजिशन में एंजॉय कर रहे हैं प्रॉपर्टी अपना. ये आ रहे हैं, इंजेक्शन फाइल कीजिए, एसडीओ के इंजेक्शन फाइल कीजिए. हम इंजेक्शन फाइल करेंगे. लास्ट में लिखिए, इट शुड द If any suit or injunction is petition is filed by the respondents, the court below will proceed in the matter without being influenced by any observation in this case, including any observation about the possession of the petitioner. Aur kuch? Itna kyon tension mein aa gaya? Apna to kabza ho nahi raha, dusre ka bachane chale hain.